अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, मैं हूँ मोहम्मद तलहा। आप लोग देख रहे हैं तलाश फेस एकेडमी। तो लास्ट लेक्चर के अंदर हम लोग डिस्कस कर चुके हैं कि साउंड प्रोड्यूस होता है और प्रोपोगेट करता है इन एयर। आज के लेक्चर के अंदर हम लोग डिस्कस करेंगे अबाउट डिटर्मिनेशन ऑफ स्पीड ऑफ साउंड। अगर मैं स्पीड ऑफ साउंड को मेजर करना चाहता हूँ प्रैक्टिकली किसी एक्सपेरिमेंट के थ्रू, तो क्या तरीक़ेकार हैं, कैसे हम कर सकते हैं, ये आज के लेक्चर में हम लोग समझेंगे। तो सबसे पहली बात आप ये समझिए कि देर आर टू मेथड्स टू डिटरमाइन स्पीड ऑफ साउंड। प्रैक्टिकली और भी तरीक़ेकार हैं, पर मैं आपको आज दो तरीक़ेकार बताऊंगा। ठीक है, सिर्फ दो तरीक़ेकार नहीं है, मैं आपको ये दो तरीक़ेकार इस वजह से बता रहा हूँ क्योंकि हमारी बुक में भी है और ये कि सबसे ज़्यादा सिंपल भी है। पहला कहलाता है डायरेक्ट मेथड, यानी कि एक डायरेक्ट मेथड के ज़रिए हम लोग मेजर कर लेंगे, और दूसरा है बाय यूजिंग एको। हम एको के ज़रिए स्पीड ऑफ साउंड को फाइंड करेंगे। तो ये दो तरीक़ेकार हैं हमारे पास, एक डायरेक्ट मेथड है और एक एको वाला मेथड है। तो पहले डायरेक्ट मेथड देखते हैं। डायरेक्ट मेथड के अंदर दो लोग चाहिए और कम से कम 100 मीटर के फासले पर खड़े होने चाहिए। ठीक है, दो लोग हैं, एक शख्स है जिसके हाथ में जो है वो दो प्लेट्स हैं कोई भी, या वुडन ब्लॉक्स कह लो, ये ब्लॉक्स हैं जिन्हें इसने आपस में टकराना है, और यहाँ पर इस लड़की के पास एक स्टॉप वॉच है। कोई से भी दो लोग हो सकते हैं, बस कम से कम एक दूसरे से 100 मीटर के फासले पर हों, एक अपने हाथ में स्टॉप वॉच रख ले और दूसरा कोई शख्स अपने हाथ में ऐसी चीज़ रखे जो साउंड को प्रोड्यूस करे। गन फायर भी इस्तेमाल कर सकते हैं, गन शॉट किया जाता है, या फिर कोई दो चीज़ें जो आपस में टकराएं और उनके टकराने से आवाज़ पैदा हो। ठीक है, तो सबसे पहले 100 मीटर दूर दो लोग मौजूद हैं, इनके दरमियान का जो डिस्टेंस है वो एक टंडल व्हील के ज़रिए मेजर किया जाता है। ये एक व्हील होता है और इस व्हील की खास बात यह है कि इसका एक रोटेशन जो है वो बराबर होता है 1 मीटर के। तो एक बड़ी आसानी के ज़रिए अगर मैं इस व्हील को घुमाता हूँ तो सिर्फ हमें ये काउंट करना है कि कितने टर्न्स मुकम्मल कर रहा है, और उस टर्न्स के लिहाज से हम देख लेंगे कि ये एक दूसरे से कितने मीटर के फासले पर हैं। कम से कम इनके दरमियान का फासला जो है वो 100 मीटर होना चाहिए। 100 मीटर होगा तो मेजरमेंट में आसानी होगी, इस वजह से कह रहे हैं। तो सबसे पहले हम फासला नाप लेंगे विद द हेल्प ऑफ टंडल व्हील, एक जगह से दूसरी जगह इसको घुमाते हुए ले जाएंगे, रोटेशन को काउंट करेंगे और हमें पता लग जाएगा कितने मीटर्स का फासला है इन दोनों लोगों के दरमियान में। अब क्या होगा कि ये जो शख्स है जिसके हाथ में दो वुडन ब्लॉक्स हैं, ये इनको आपस में बैंग करेगा। ठीक है, ये दोनों आपस में टकराएंगे आप इससे अपने सर के ऊपर इसको जो है वो मारेगा एक दूसरे से ताकि आवाज़ पैदा हो। और यहाँ पर जो लड़की स्टॉप वॉच में पकड़े खड़ी हुई है, जैसे ही ये देखेगी कि इस शख्स ने इन दोनों वुडन ब्लॉक्स को बैंग किया है, ये स्टार्ट कर देगी स्टॉप वॉच को, जो स्टॉप वॉच है उसको ऑन कर देगी, और फिर देखते हैं क्या होता है। इसने बैंग करा, और जैसे ही इसने बैंग करा तो ये जो लड़की है इसने क्या किया, इसने स्टॉप वॉच को ऑन कर दिया। स्टॉप वॉच ऑन हुई और फिर साउंड ट्रैवल करेगा इस शख्स से इस लड़की तक। जैसे ही साउंड इस लड़की तक पहुँचेगा ये स्टॉप वॉच को ऑफ कर देगी। ठीक है, जैसे ही स्टॉप वॉच को ऑफ कर दी तो अब इसके पास टाइम आ गया कि साउंड को यहाँ से यहाँ तक ट्रैवल करने में कितना टाइम लगा, वो इसने कैलकुलेट कर लिया विद द हेल्प ऑफ स्टॉप वॉच। डिस्टेंस ऑलरेडी हम नाप चुके थे, तो अब हम क्या करेंगे, इस एक्सपेरिमेंट को एक से ज़्यादा मरतबा करेंगे। इसको इस वजह से रिपीट करेंगे, हो सकता है एक मरतबा देखने में स्टॉप वॉच को ऑन ऑफ करने के अंदर कोई गलती हो गई हो तो दोबारा से नहीं होगी। तो अगर फॉर एग्ज़ाम्पल इसको 5 मरतबा रिपीट करते हैं तो बाद में हम क्या करेंगे, हम एवरेज वैल्यू ले लेंगे। मिसाल के तौर पे एक मरतबा अगर 0.3 सेकेंड था, एक मरतबा 0.4 सेकेंड, एक मरतबा 0.35 सेकेंड, तो बस हमें एक एवरेज वैल्यू ले लेनी है ताकि हमें एक्यूरेट आंसर मिल सके। और फिर हम क्या करेंगे, स्पीड ऑफ साउंड को एक इक्वेशन, एक फार्मूले के ज़रिए फाइंड कर लेंगे। और बड़ा ही आसान सा फार्मूला है किसी भी चीज़ की स्पीड को मालूम करने का, कितना डिस्टेंस ट्रैवल हुआ है साउंड के ज़रिए और फिर डिवाइड बाय टाइम कितना लगा, यानी कि दोनों लोगों के दरमियान का फासला कितना था, और डिवाइड कर देंगे कि कितना वक्त लगा। तो इसके ज़रिए हम स्पीड ऑफ साउंड को ईज़िली कैलकुलेट कर सकते हैं। तो फॉर एग्ज़ाम्पल जो डिस्टेंस था दोनों लोगों के दरमियान का, उसे सपोज़ कर लेते हैं 120 मीटर था, यानी कि दोनों लोग जो है 120 मीटर के फासले पर मौजूद थे, और फिर जो टाइम लगा वो लगा 0.35 सेकेंड, यानी कि स्टॉप वॉच के अंदर जो टाइम आ गया वो 0.35 सेकेंड का आया। तो हम मालूम करना चाहते हैं कि आवाज़ की जो रफ़्तार है वो कितनी है, स्पीड ऑफ साउंड कितनी है। स्पीड बराबर होती है
कितना डिस्टेंस कवर हुआ डिवाइड बाय टाइम, कितना टाइम लगा, डिस्टेंस को डिवाइड करना है टाइम से। तो हमने देखा हमें डिस्टेंस लगा है 120 मीटर, दोनों लोगों के दरमियान का फासला 120 मीटर था और वक्त जो लगा वो लगा 0.35। तो हमने सीधा सा काम करना है, 120 को डिवाइड करना है 0.35 से, तो हमारे पास आंसर आ गया 342.8 मीटर्स पर सेकेंड। यानी कि जहाँ पर वो एक्सपेरिमेंट किया जा रहा था वहाँ पर स्पीड ऑफ साउंड 342.8 मीटर पर सेकेंड के बराबर थी। तो इसके लिए दो लोग चाहिए, दोनों के दरमियान का फासला 100 से ऊपर होना चाहिए। एक ने दो लकड़ी के टुकड़ों को बैंग करा, जैसे ही आपस में टकराए और नज़र आया दूसरे शख्स को, उसने स्टॉप वॉच को ऑन करा, फिर जैसे ही साउंड सुनाई दिया वैसे ही स्टॉप वॉच को ऑफ़ कर दिया। तो हमें पता लग गया कि अच्छा साउंड को एक शख्स से दूसरे तक पहुंचने में कितनी देर लगी, और डिस्टेंस डिवाइड बाय टाइम के ज़रिए हम कैलकुलेट कर सकते हैं स्पीड ऑफ साउंड। ठीक है जी, ये है डायरेक्ट मेथड। एक दूसरा मेथड भी है जो कि मैंने बताया था, यूजिंग एको, हम एको मेथड भी इस्तेमाल कर सकते हैं। एको मेथड के लिए क्या करना है कि जो दोनों लोग हैं वो एक वॉल के करीब खड़े हुए हैं तकरीबन 50 मीटर के फासले पे, और ये डिस्टेंस जो है उसी तरीके से टंडल व्हील के ज़रिए जो है वो हम मेजर कर लेंगे। जो टंडल व्हील है वो जो है वो रोटेट करता है, और उसकी रोटेशन को काउंट करके हम इजीली कैलकुलेट कर सकते हैं डिस्टेंस को। इस मरतबा दीवार से एको होगा, आवाज़ टकरा कर वापस आएगी, और फिर हम टाइम नोट करेंगे कितनी देर लगी। तो फिर वैसे एक शख्स के हाथ में जो है वो वुडन ब्लॉक्स हैं, और जो दूसरा शख्स है उसके हाथ में एक घड़ी है जो कि स्टॉप वॉच है, उसको ऑन ऑफ करना है। जैसे ही बैंग करेगा स्टॉप वॉच को ऑन करना है, और फिर जब आवाज़ टकरा कर वापस सुनाई देगी, दोबारा से सुनाई देगी, तो स्टॉप वॉच को ऑफ करना है। ठीक है, दोबारा से देखो क्या हुआ, साउंड आगे की तरफ बढ़ा, स्टॉप वॉच को ऑन किया गया, और जब टकरा के आवाज़ वापस आई तो स्टॉप वॉच को ऑफ किया गया। स्टॉप वॉच ऑन हो गई, आवाज़ टकरा कर वापस आई, जैसे यहाँ पर सुनाई दी वैसे ही स्टॉप वॉच को ऑफ कर दिया। फिर दोबारा क्या करना है, इसी एक्सपेरिमेंट को हमें रिपीट करना है 3-4 मरतबा, और एवरेज टाइम नोट कर लेना है कि कितना टाइम लगा। एक मरतबा कुछ ज़्यादा लग सकता है, एक मरतबा कुछ कम लग सकता है, तो हमने एवरेज टाइम को कैलकुलेट कर लिया। जैसे ही एवरेज टाइम आ जाएगा तो स्पीड ऑफ साउंड को हम मेजर करेंगे इस इक्वेशन के ज़रिए, और वो इक्वेशन है स्पीड ऑफ साउंड बराबर आएगा 2 टाइम्स डिस्टेंस टू द वॉल डिवाइड बाय टाइम टेकन। मल्टीप्लाई बाय 2 इस वजह से किया है क्योंकि साउंड के जाने का और साउंड के टकरा के वापस आने का टोटल डिस्टेंस हमें मेजर करना है ताकि स्पीड ऑफ साउंड करेक्ट आ सके। इस वजह से ये मामला हमने किया है यहाँ पर। ठीक है जी, तो अब हम क्या करते हैं, अब हम एक एग्ज़ाम्पल सपोज कर लेते हैं मिसाल के तौर पे। तो फॉर एग्ज़ाम्पल जो डिस्टेंस हमने रखा था दीवार से उस शख्स तक का, वो डिस्टेंस कर लेते हैं लेट से 50 मीटर का ही रख लिया, और फिर टाइम नोट करा कि कितनी देर में जो है वो आवाज़ टकरा कर वापस आ रही है। तो लेट से अब हमें टाइम लगा 0.28 सेकंड, ये स्टॉप वॉच से आपको टाइम मिलेगा, और ट्रंडल व्हील के ज़रिए जो है वो आपको डिस्टेंस मिल जाएगा। अब हम स्पीड मेजर करना चाहते हैं वी, तो इस मरतबा वो फार्मूला इस्तेमाल करेंगे जो मैंने आपको बताया, स्पीड बराबर है डिस्टेंस को मल्टीप्लाई बाय 2 करना है, और फिर डिवाइड करना है टाइम से। सो 2 × 50 डिवाइडेड बाय टाइम लगा 0.28, यानी कि 100 डिवाइड बाय 0.28, ये आंसर आ जाएगा हमारे पास 357.1 मीटर्स पर सेकेंड। तो इस मरतबा जहाँ पर एक्सपेरिमेंट हो रहा है टेम्परेचर चेंज होगा, जाहिर सी बात है, तो स्पीड ऑफ साउंड भी थोड़ी सी चेंज आएगी। तो ये बड़े ही आसान से दो मेथड्स हैं। स्टॉप वॉच आजकल जो है वो ज़रूरी नहीं अलग से आप लोग सारे लोगों के मोबाइलों में होती है, तो सेलफोन के अंदर आप जो है वो स्टॉप वॉच को यूज़ कर सकते हो। कोई भी आवाज़ प्रोड्यूस करने वाली चीज़ चाहिए, दो लोग होने चाहिए, तो इस मेथड के ज़रिए बहुत ही आसानी के साथ आप दोनों मेथड्स के ज़रिए बहुत ही आसानी के साथ आप स्पीड ऑफ साउंड को फाइंड कर सकते हैं। ठीक है जी, कोई कन्फ्यूजन इन मेथड में तो बिल्कुल लिखना कमेंट सेक्शन में, इंशाल्लाह आई विल रिप्लाई। दैट्स ऑल फॉर टुडे, अल्लाह हाफिज़।